सिल्विया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ और एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सबसे ज्यादा हम लोग क्वेरीज कर रहे थे कि दी आप अपना मेकअप कलेक्शन दिखाओ, बहुत दिन हो गया मैं नहीं दिखाई थी। बहुत पुराना एक मेकअप कलेक्शन शेयर की थी, तब मेरा बहुत कम मेकअप था, अब तो मतलब क्या बोले टचउड थोड़ा बहुत हो ही गया है। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा मेकअप कलेक्शन शेयर कर देती हूँ। पर बात ये है ना, मेरे पास मेकअप ऑर्गेनाइजर जो होता है ना वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं यूजुअली इसके अंदर रखती हूँ, ये जो देख रहे हो ना इसके अंदर रखती हूँ, नहीं तो मेरे जो पर्सेस आते हैं ना तो उसके बॉक्स के अंदर ही मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बॉक्सेस में अलग अलग करके रखी हूँ ताकि आप लोगों को इजिली दिखा पाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो यूज करके मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और आप लोगों को पता है मैं हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे यूजफुल लगता है। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को पता ही है मेरा कितना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इसके कारण मैंने हेयर ट्रीटमेंट भी कराया। और एक चीज जो मैं ले रही हूँ, 1 मंथ तो हो गया है तो मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मुझे लगा शेयर कर देना चाहिए। तो मैं यूज कर रही हूँ ये पावर गमीज। ये है आपका पावर गमीज विटामिन्स फॉर गॉर्जियस हेयर एंड नेल्स, हेयर एंड नेल विटामिन्स विद बायोटीन, ठीक है। ये है ये प्रोडक्ट, इसका पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये मतलब इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। और आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट है ये पावर गमीज, रैपिड का शेप दिया गया है। और आज का मैंने शाम का लिया नहीं था तो इसलिए हैव कर लिया। और इसमें ना मिक्स्ड बेरीज का फ्लेवर है, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। और मैं इसे दिन में 2 टाइम लेती हूँ। इसका मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, मैं जॉ ड्रॉप स्किन के लिए भी एक पावर गमीज ले रही थी जिससे मेरा स्किन भी काफी ज्यादा ग्लो हो गया था। अभी मैं तो ये फिलहाल मेरे हेयर के लिए ले रही हूँ और नेल्स के लिए, क्योंकि हेयर काफी ज्यादा डल डैमेज और हेयर फॉल भी काफी ज्यादा हो रहा था, तो इसीलिए। और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है गाइस। इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12। सोचो कितने सारे विटामिन इसके अंदर है। सारे विटामिन का अलग अलग काम होता है जो हम लोगों को पता है। विटामिन ए, अगर आपका हेयर डैमेज हो गया है, काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई हो गए हैं, तो इसे मेंटेन करता है, आपके नेल्स में नरिशमेंट मेंटेन करता है, आपके स्कैल्प को अच्छे से नरिश करता है। विटामिन सी जो है, इसके अंदर विटामिन सी के अंदर आप लोगों को पता है कि एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला रहता है, हेयर में स्ट्रेंथ लाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। B5 आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और शाइनी बनाता है एंड मेंटेन नेचुरल केराटिन इन योर बॉडी। विटामिन ई आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस इसको हटाता है। विटामिन ई कितना अच्छा है हम लोगों को तो पता ही है, आपके स्किन में ग्लो भी प्रोवाइड करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है। विटामिन डी आपके स्किन को इवन बनाता है, ग्रोथ देता है हेयर में और आपके हेयर फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। विटामिन B6 आपके हेयर को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्मूथ, मॉइस्चर, स्ट्रेंथ, ग्रोथ मेंटेन रखने में हेल्प करता है। विटामिन B12 बूस्ट योर हेयर ग्रोथ बाय प्रोमोटिंग द जनरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या लगता है ये कितना अमेजिंग है ना हमारे स्किन के लिए। एक साथ तो हम लोग इतना विटामिन पाते नहीं है कुछ भी चीज में, पर इससे ये पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा है हेयर नेल्स स्किन के लिए। और गाइस आपको बस दिन में इसे 2 बार लेना है और ये ग्लूटेन फ्री है तो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा आपको। पर मैं एक चीज बोलूंगी, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एटलीस्ट 90 डेज तक इसे यूज करना है, मतलब 3 मंथ्स आप अगर इसे यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। इंस्टेंट कोई भी चीज अगर रिजल्ट देता है ना तो वो अच्छा नहीं होता, तो आप इसे 3 मंथ्स लेके देखो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, जरूर वहां से जाके चेक कर लेना। और आप लोग पावर गमीज को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हो, तो आप लोग वहां से भी शॉप कर पाओगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे फ्लोर पे बैठनी होगी क्योंकि सारी चीजें फ्लोर पे बिखरी पड़ी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगी वही सोच रही हूँ। तो सबसे पहले दिखाऊंगी आई शेडोज। तो आई शेडो मैं इस बॉक्स के अंदर नहीं रखती, यूजुअली अलग अलग जगह पे रहती है। तो ये मेरा एक बहुत पुराना आई शेडो पैलेट है जिसमें सारे कलर्स है
और यहाँ पे सारे मेरे आई शेडो पैलेट्स है, देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 के करीब आई शेडोज है मेरे पास। उसमें बहुत सारे ब्रांड्स है, स्मोकी के लिए है, मतलब बहुत सारे अलग अलग है, लाइट मेकअप के लिए। उसमें से सबसे फेवरेट तो अभी मेरा करंट फेवरेट ये वाला है, मैं क्योंकि लाइट वाला आई शेडो पैलेट ज्यादा यूज करना पसंद करती हूँ, लाइट कलर्स। और ये भी कलर बहुत अच्छा है कि लाइट लाइट कलर्स, और इसमें डार्क कलर्स भी है, स्मोकी के लिए परफेक्ट, स्मोकी आई मेकअप के लिए ये सब है। पर ये टूट गया था, मतलब गिर के। बहुत सारे मुझे मिल भी नहीं रहते, इधर उधर कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं, पर ये है। ओके, और ये है एक ग्लिटर वाला जो मैं यूजुअली यूज नहीं करती हूँ, ये भी रखा हुआ है मेरे पास। और इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा आई मेकअप के लिए जो किट चाहिए होता है, काजल वगैरह, काजल, लाइनर, स्केच लाइनर, सारे इसके अंदर है। और भी बहुत जगह पे मिलेंगे, पर इसके अंदर मैंने रखा है तब भी, ये सारे देख रहे हो, ये सब काजल आई मेकअप के लिए, लाइनर वगैरह, ये भी कलर आई शेडोज है क्रेयॉन वाला, तो सारे आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। और भी दूसरी जगह पे है, तो ये इसमें रखा है मैंने, तो इससे मेरा काफी अच्छे से काम चल जाता है। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैं रखती हूँ इसके अंदर, इसके अंदर नहीं, उसके अंदर रखती हूँ, मेरा एक ड्रेसिंग टेबल है क्योंकि उससे निकालना मुझे इजी रहता है। तो देखो फाउंडेशन में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी एक है, तो टोटल 11 मेरे पास फाउंडेशन है। अभी मैं करंट यूज करती हूँ, और भी जो है मतलब नए आते हैं मेरे पास एज अ पीआर, वो मैं अलग रखती हूँ ताकि वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो फाउंडेशन में आप देख सकते हो ये सब है, और ये भी है, ये सेरम है, और फिक्सर है यहाँ पे। फिक्सर मैं यूज नहीं करती ज्यादा, तो ये एक ही फिक्सर मेरे पास है जो मुझे मेरा लगता भी नहीं है। यहाँ पे मेरा कलर करेक्टर कंट्रोल पैलेट रखा है मैंने, मेकअप रिमूवर के लिए, थोड़ा सा आगे आओ, मेकअप रिमूवर के लिए यहाँ पे ये मेकअप रिमूवर है, ये मेकअप रिमूवर, ये सब मैंने यूज नहीं किया है, दैट्स वाई ये अलग से पूरा रखा है। ये सनस्क्रीन है, ये सब पूरा न्यू है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया है फिलहाल। ये देखो, ये सेरम जो मैं मेकअप के टाइम में यूज करती हूँ यूजुअली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी तो करंटली 8 सीरम यूज कर रही हूँ, ये भी सेरम ही है। ठीक है, तो ये सारे सीरम्स है और फाउंडेशंस। और फाउंडेशन में अभी तो मैं ये भी यूज करती हूँ, पर ये मेरा जो मतलब ये जो बैग देख रहे हो ना, इसमें मेरा मतलब मोस्ट जो मैं यूज करती हूँ ज्यादा टाइम, मतलब टाइम नहीं है फटाफट से कहीं जाना है, तो ये बॉक्स में वो रहती है, तो ये एक बॉक्स दिया। अब इसके अंदर मैं दिखाऊंगी आपको कंसीलर्स वगैरह है, सारे कंसीलर्स, प्राइमर, सो सारे प्राइमर्स वगैरह, कंसीलर आप देख सकते हो सारे इसके अंदर मैंने रखे है। और ये तो आपका ब्लशर है, पर ये इसके अंदर रह गया। ओके, तो ये भी कंसीलर टू मेरा, मैं आई मतलब ब्राउज के लिए ज्यादा कुछ किट यूज नहीं करती, तो ये टू किट्स ही है, तो ये भी इसके अंदर रहता है। ये फाउंडेशन जो आज ये मेकअप लुक के लिए मतलब कर रही थी बोल के, इसमें ही रह गया। ये भी प्राइमर, और ये सारे कंसीलर्स, सारे कंसीलर्स मेरे इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो कंसीलर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का 8 है, ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखती, जो जो यूज करती हूँ वही इसके अंदर रखती हूँ। ठीक है, तो ये गया, इसमें भी प्राइमर रह गया मेरा, कोई बात नहीं, इसमें टू प्राइमर्स है, जबकि इसमें भी कलर करेक्टर है, मैं तो भूल गई थी, इसमें भी लाइनर है, तो इसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। और इसके अंदर यूजुअली मैं ब्रशेस वगैरह रखती हूँ जो उतने ज्यादा यूज नहीं करती, बल्कि मतलब ये 4-5 ही यूज करती हूँ। अभी तो ये फाउंडेशन ब्रश के लिए यूज कर रही हूँ, तो ये एक फाउंडेशन ब्रश इसके अंदर है। इसके अंदर भी बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं जो अभी मैं यूज नहीं करती फिलहाल, तो ये ब्रशेस के लिए है एक्चुअली ये जगह। ओके, तो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको लिपस्टिक। बापरे बाप, इसके अंदर बहुत सारे लिपस्टिक्स है जो मतलब बहुत है, जो मैं यूज भी नहीं की हूँ अभी तक,
तो आप देख सकते हो इसके अंदर ह्यूज ह्यूज लिपस्टिक्स है, तो जो मैं अभी तक यूज भी नहीं किया है वो, सॉरी मेरा उस घर में दो लिपस्टिक बॉक्स था, मैं लाना ही भूल गई, अलमारी के अंदर रह गया है, सॉरी। ओके चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम तो जो यूज करती हूँ वही दिखाती हूँ। तो इसमें से बहुत सारे लिपस्टिक्स है जो मैं यूज करती हूँ। ओके ये यहाँ पे मैंने सारे, इसमें भी सारे लिपस्टिक्स है, आप देख सकते हो सारे लिपस्टिक इसके अंदर है मेरा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी रह गया है एक, कोई बात नहीं कॉम्पैक्ट मैंने शेयर नहीं किया तो इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे लिपस्टिक्स है मेरे, जिसमें से मतलब कुछ मैंने यूज किया है कुछ नहीं यूज किया है, मतलब जब दिखाती हूँ ना तब मैं यूज करती हूँ, बाकी इतने सारे लिपस्टिक कौन सा कलर छोड़े कौन सा लगाओ। ओके नेक्स्ट मेरे पास और एक लिपस्टिक्स है, ये पूरा डब्बा मेरा लिपस्टिक का है, तो ये भी बिल्कुल ही नया है और भी था, मैंने बोला जो मैं लाना भूल गई वहां से, कोई बात नहीं। इसके अंदर भी सारे लिपस्टिक्स ही है, बापरे बाप, तो ये भी अंदर रख देते हैं। ये भी मतलब कभी कभी लगता है तो यूज करते हैं, नहीं तो नहीं यूज करते, मतलब जब जो लगता है, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि गर्ल्स का फेवरेट है बोल के। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलेंगे कॉम्पैक्ट्स वगैरह जो मैं यूज करती हूँ अभी, तो ये सारे कॉम्पैक्ट अभी मैं रिसेंट यूज करती हूँ, और एक बनाना पाउडर है। ओके नेक्स्ट मेरे पास इसमें है, आप देख सकते हो ब्लश, तो ब्लश में मैं यूज करती हूँ 1 2 3 4 5 ब्लश है मेरा यहाँ पे, बहुत अच्छा है ये, तो बहुत ही अच्छा है, हाइलाइटर प्लस ब्लश का काम करता है ये, न्यू आया था मेरे पास और मैं यूज भी नहीं की इसे एक बार भी, और मेरा फेवरेट ये एक ब्लश पैलेट है, इसके अंदर आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, ये भी एक अच्छा बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, और ये भी मैंने यूज नहीं किया है, ये भी बिल्कुल नया है मेरा, ये भी बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, मैंने इसे भी यूज नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं अभी मतलब फिलहाल ये यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पिंक पिंक चिकी लुक देता है, तो नॉर्मल यूज के लिए यही यूज कर लेती हूँ। तो ये सारे यहाँ पे, ये एक ब्लश है, तो ये सारे ब्लश है, हाइलाइटर में मेरे पास है 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 हाइलाइटर मेरे पास यहाँ पे है, तो और भी था शायद मैंने कहीं और रख दिया है, आई डोंट नो। ये इसके अंदर आपको 4 कलर्स मिलते हैं, देखो इसमें 4 कलर्स है, और ये ब्लश भी जो दिखाया ना ये भी ऐसा हाइलाइटर यूज हो सकता है, तो ये मेरा अभी 1 2 3 4 5 हाइलाइटर मैं यूज करती हूँ, और इसके अंदर है मेरे सारे मस्कारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप देख सकते हो ना ये मस्कारा ज्यादा है, ये तो अभी तक सिल पैक्ड है, मैंने ओपन भी नहीं किया, तो ये मेरा फेवरेट है, और उसके बाद तो ये वाला है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, तो इसके अंदर ये है मस्कारा। ओके तो ये मैं यूज करती हूँ, और मैं यूज करती हूँ ये, इसमें मेरा ब्लेंडर वगैरह है, तो ये आज मैंने जस्ट ओपन किया है, तो इसका जगह नहीं हुआ, तो पुराना कोई फेंक देंगे और उसके अंदर इसे दे देंगे, देखो ये पूरा खराब हो गया यार, मैंने देखा ही नहीं, इसको फेंको इसको फेंको, तो इसका जगह यहाँ पे हो जाएगा, वो ना पानी में गिला करके रख दिए थे शायद इसलिए खराब हो गया, तो ये एक है, और क्या दिखाने वाले थे, हाँ खुले इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर जो है मेरे ब्रशेस जो मैं यूज करती हूँ बेली का, आप लोग पूछते हो बहुत ही अच्छा ब्रशेस है, और इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर अभी मैं रिसेंट मेकअप में यूज करती हूँ 1 2 3 4 और एक ये वाला, ये बहुत दिन चल जाएगा यार, बहुत ही बड़ा है 5, ये मेरा सनस्क्रीन है, ये मेरा आई क्रीम है, ये मेरा ऑरेंज क्रीम है डे टाइम का, ये मेरा हैंड क्रीम है, ये वेट टिश्यू है, और इसके अंदर मेरा लिप बाम है, 2 लिप बाम मैंने रखा है उस घर में रखा है, और एक लिप बाम, और ये है मेरा लैश ग्लू ठीक है, और इसके अंदर है मेरा ये ब्यूटीफुल सा मिरर जिसमें मैं देख देख के मेकअप करती हूँ अपना,
ओके और जो स्ट्रेटनर वगैरह ये सब एक्सेसरीज सब कुछ है ना वो अलग जगह पे रखा हुआ रहता है। ज्वेलरी का भी मेरा अलग बॉक्स है, वो सब अलग रहता है। आप लोग बोलोगे तो मैं बाद में श्योर दिखाऊंगी। और मेकअप का अलग जगह में रहता है। ओके और गाइस इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मैं कभी बाद में शेयर करूंगी। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कभी बाद में शेयर करेंगे इसके अंदर क्या है, क्योंकि नहीं तो सारी चीजें मिस हो जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये तो मैंने ओपन भी नहीं किया है अभी तक, तो बाकी सारे मैं बाद में शेयर करूंगी। तो गाइस यही है मेरा मेकअप कलेक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, मुझे जरूर कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरा 2022 का मेकअप कलेक्शन है। मेरा पुराना जो मेकअप था वो तो एक्सपायर्ड हो गया ऑलमोस्ट, तो ये 21 और 22 का ही है। तो अभी तक का ये है, मैं इस ईयर के एंड में दिखाऊंगी और क्या क्या मेरे पास आता है। और अगर आप लोग बोलते हो तो स्किन केयर का भी मैं बाद में शेयर करूंगी। तो बताना जरूर कैसा लगा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और जो लोग बंगाली हो उनके लिए एक खास चैनल है, बंगाली में मेरा और एक चैनल है तुम ही अभी बोल के, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगता है तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो गाइस बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।